सब्सक्राइब कीजिए संसार सागर यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार, संसार सागर में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीपक। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बिजली के बिल को बड़ी आसानी से जमा कर सकते हैं, वो भी बिना लाइन में लगे। जब भी आप बिजली का बिल जमा करने जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं काफ़ी भीड़ होती है, जिससे आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है और आपके पास टाइम बहुत कम होता है। बिजली का बिल जमा करने की एक नई पद्धति जो कि आजकल ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, आप भी उसको यूज करें, जिसे कहते हैं ऑनलाइन। आप ऑनलाइन घर पर बैठकर ही अपने बिजली के बिल को जमा कर सकते हैं, जिससे आपके टाइम की भी बचत होगी और आपको वहां जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहां जाकर लाइन में लगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम देखेंगे कि ऑनलाइन बिजली का बिल कैसे जमा करते हैं, वो भी घर पर बैठकर। ये जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। यदि आपने मेरे चैनल संसार सागर को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता हूँ जो आपके लिए यूजफुल हैं। ये मेरा चैनल है संसार सागर, यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है। जब आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक वहाँ बेल आइकॉन नज़र आएगा। जी हाँ, वहाँ पर आपको एक घंटी दिखाई देगी, उस घंटी पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। ऐसा करने से फ़ायदा ये है कि फ्यूचर में जब भी मेरा कोई नया वीडियो आने वाला होगा तो उसकी नोटिफिकेशन या सूचना आपको आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी और आप उसे देख सकते हैं। जब आप मेरे वीडियो को देखते हैं, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों तो आप उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक इसलिए कीजिए जिससे कि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं और मैं इसी तरीके से नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। और शेयर इसलिए कीजिए जिससे कि ये जानकारी दूसरों तक पहुंचे और वे भी इसका यूज कर सकें। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि ऑनलाइन बिजली का बिल कैसे जमा करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। ये ऊपर क्रोम ब्राउज़र का एड्रेस बार दिया गया है, यहाँ पर टाइप कीजिए mp-online। जैसे ही आप mp-online टाइप करेंगे उसके बाद उसे इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है mp-online लिमिटेड। यहाँ पर माउस पॉइंटर को लाकर क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप माउस पॉइंटर को लाकर क्लिक करते हैं mp-online लिमिटेड की साइट ओपन हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये mp-online की साइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है हमारे बारे में, उसके बगल में लिखा हुआ है नागरिक सेवाएं। नागरिक सेवाओं पर माउस पॉइंटर को लाइए। माउस पॉइंटर को लाते ही वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे अपना CSC आरक्षण आवेदन, ई विज्ञापन, ऑनलाइन भर्ती, काउंसलिंग, धर्मार्थ सेवाएं, और यहाँ पर दिया गया है बिल भुगतान।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल भुगतान लिखा हुआ है। यहाँ पर माउस पॉइंटर को लाकर क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ इस साइड पे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है BMC विद्युत बिल। यहाँ पर काफ़ी सेवाएं दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारतीय जीवन बीमा निगम, इसका भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। HDFC लाइफ का, BSNL का, SBI लाइफ का, बहुत सारे पेमेंट जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बिजली के बिल की। तो यहाँ बिजली बिल लिखा हुआ है, विद्युत उपभोक्ता बिल भुगतान। तो यहाँ पर माउस पॉइंटर को लाकर क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। यहाँ आपको तीन ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, दूसरा है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और तीसरा है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। आप जिस क्षेत्र में आते हो उसको सिलेक्ट कर लें। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी यहाँ पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही क्लिक करता हूँ एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड अंडर CC&P यहाँ दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जगह दी गई है, इस क्षेत्र के लिए जो है बिजली का बिल यहाँ जमा किया जा सकता है। बालाघाट, बीना, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, बहुत से यहाँ पर जगह हैं, आप उसको देख सकते हैं। आप जिस क्षेत्र में आते हो उसे सिलेक्ट कर लें। तो बिल जमा करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन हो जाता है। ये जो नया पेज आया है यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट भोपाल / जबलपुर सर्किल। तो यहाँ पर जहाँ स्टार लगे हुए हैं वो आपको फिल करना अनिवार्य है। यहाँ आप जो है चूज आइडेंटिफाइड, ये जो है सर्विस नंबर, यहाँ आप सर्विस नंबर लिख सकते हैं या जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो IVRS ID, ये दो आइडेंटिफाइड हैं जिसे आप सिलेक्ट करेंगे वो नंबर आपको लिखना होगा। जैसे यदि आप सर्विस नंबर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको सर्विस नंबर लिखना होगा और ये सर्विस नंबर आपके बिजली का जो बिल है उसमें दिया जाता है। दूसरा है IVRS ID, यदि आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है IVRS ID लिखनी होगी। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें उसको आप लिख दें। यदि आप IVRS ID लिखते हैं तो यहाँ पर आपको जो है IVRS ID लिखनी होगी और ये आपको आपके बिजली के बिल में मिल जाएगा। ये लिखने के बाद यहाँ पर ये बताया गया है, ये जो है सर्किल में शो कर रहा है, बताया गया है कि आपके बिजली के बिल में ये यहाँ पर मिलेगा। और जब आप इसे लिख देंगे IVRS ID को लिख देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर लिखना होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने के बाद यदि आप चाहें तो यहाँ ईमेल ID लिख सकते हैं। ईमेल ID लिखना अनिवार्य नहीं है लेकिन मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य है और IVRS या सर्विस नंबर लिखना अनिवार्य है। ये लिखने के बाद आप यहाँ सबमिट के बटन पर माउस पॉइंटर को लाकर क्लिक कर देंगे और जैसे आप सबमिट करेंगे आपके बिजली का बिल आपके सामने आ जाएगा। उसमें बताया जाता है कि आपका बिल, बिजली का बिल कितना है और डेट दी जाती है कब से कब तक का बिल है और कब जमा करना है। सर्विस नंबर वगैरह लिखा रहता है और नीचे जो है पेमेंट
प्रोसेस का बटन दिया जाता है। जब आप पेमेंट प्रोसेस के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेमेंट करने की साइट यानी कि नया पेज खुल जाता है। आप किस तरीके से अपने बिजली के बिल को पेमेंट करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग से या कोई और तरीके से। तो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बड़ी आसानी से बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।